खबर देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में तारीख में बदलाव हुआ है। अब 21 नहीं बल्कि 17 सितंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, उत्तराखंड सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट में कई बड़े फैसले होने हैं। तो उत्तराखंड सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट में कई बड़े फैसले होंगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में तारीख में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं देहरादून से। विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान आ चुका है। विधानसभा मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर व्यवस्था का मंथन करना पड़ेगा। कोरोना संकट के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी लगातार जारी है। 23 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर व्यवस्थाएं होने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ में बैठक करके मंथन किया। 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को वर्चुअल तौर पर शामिल करने का अनुरोध किया गया है। मीडिया कर्मचारी भी इस बार सदन से बाहर रहेंगे, केवल एजेंसी ही कवरेज करेगी। अभी तक हमारे सामने जो व्यवस्था 47 हमारे विधायकों की है और शेष माननीय विधायक सामने वाली दर्शक दीर्घा, प्रेस दीर्घा, अधिकारी दीर्घा का जो हमारी 3 कैबिन है, 3 हमारी दीर्घाएं हैं, उनमें शेष माननीय विधायकों को बैठाने की व्यवस्था रहेगी। और जो राज्यपाल दीर्घा है उसमें हमारे अधिकारीगण, 4 अधिकारीगण जो अंदर रहेंगे, शेष जो है राज्यपाल दीर्घा में रहेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य अधिकारीगण रहेंगे शेष, उनको हम दूसरे जगह उनके बैठने की व्यवस्था रखेंगे। प्रेस के लिए भी हमने जो अभी तक तय हुआ है कि हमारे ANI और PTI उनको जो हमारा प्रेस क्या बोलते हैं उसको, सूचना विभाग का जो हमारा कक्ष है उसमें उनको अनुमति रहेगी। उनका भी टेस्ट उसी प्रकार से होगा। और इसके बाद हमारा जो सत्र है 23, 24, 25 तक के लिए पहले से निर्धारित है उसी प्रकार से। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दून अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। बता दें, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए थे। शारीरिक कमजोरी की वजह से अस्पताल में एक बार फिर से उनको एडमिट कर दिया गया है। तो उनकी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही नेगेटिव आई थी और उन्हें इसीलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, कमजोरी उनके शरीर में है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एक बार फिर से एडमिट कर दिया गया है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको एक बार फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया है। शारीरिक कमजोरी की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दून अस्पताल में फिर से भर्ती। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत दून अस्पताल में भर्ती किए गए हैं फिर से। आपको हम लगातार बता रहे हैं, 2 दिन पहले ही कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। खबर देहरादून से, जहां देवभूमि में एक बार फिर से फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 995 नए मामले। कोरोना से अब तक 19,428 लोग ठीक हुए। राज्य में 9,294 कोरोना के एक्टिव मामले आए हैं और अब तक 388 लोगों ने दम तोड़ा है। तो देवभूमि में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा। लगातार आपको आंकड़े बता दें, 24 घंटे में
995 यानी कि 1000 के करीब मामले सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में भी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। 24 घंटे में 995 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 19,428 लोग देवभूमि में ठीक भी हो चुके हैं। केसेस लगातार देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं, एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। लगातार ताबड़तोड़ केसेस बढ़ रहे हैं, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको बता दें 995 केसेस। कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के निर्देश, स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों की व्यवस्था की जानकारी ली। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का बड़ा बयान, राज्य में दून सहित अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य में बड़ी तादाद में प्रतिदिन कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। ऑफिसर्स भी उपस्थित थे। सभी जितने विषय हैं हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हमारी हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उनके द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई है और ऑक्सीजन बेड्स में हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ देहरादून के द्वारा बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी भी अपग्रेड की जा रही है और काफ़ी नंबर ऑफ बेड्स मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक्स या 50 बेड्स अकेले दून मेडिकल कॉलेज अपने आप ऐड करेगा। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बेड्स और आईसीयूज़ की व्यवस्था की गई है। तो और इसी के अतिरिक्त जितने भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, आइवरमेक्टिन इत्यादि, सभी सफिशेंटली अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो सभी तरह की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कहीं पर वो कमी ना हो। द्वारा सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई, जिसमें हमारे सारे मेडिकल के ऑफिसर्स भी उपस्थित थे। सभी जितने विषय हैं हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटी। देहरादून में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस कल प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में किया जाएगा धरना प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बड़ा बयान, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। प्रदर्शन के जरिए बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की मांग की जाएगी, धस्माना ने साफ तौर पर कहा। पूरे प्रदेश भर में कल कांग्रेस प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर राज्य भर में ब्लॉक मुख्यालयों पर बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रही है। हम सरकार को एक मौका दे रहे हैं, प्रीतम सिंह जी की तरफ से हमने मांग करी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करी है मुख्यमंत्री से, कल 10 बजे तक वो श्वेत पत्र जारी कर दें कि पिछले 4.25 साल में राज्य में तमाम विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उनके लिए कितने आपने विज्ञप्ति जारी करी, कितनी विज्ञप्तियों के सापेक्ष आपने नियुक्तियां करी, राज्य में कितने बेरोजगार नौजवानों को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, जितने विभाग हैं राज्य में राज्य सरकार के और जितने निगम हैं, सचिवालय है, आपका विधानसभा है। चलिए गरिमा दसौनी जी हमारे साथ में कांग्रेस नेता समय जुड़ चुके हैं। गरिमा जी, जिस तरीके से ये बयान भी अभी हम सूर्यकांत धस्माना साहब का सुन रहे थे, रोजगार के मुद्दे पर सरकार को चेताने की कोशिश की जाएगी, श्वेत पत्र जारी किया गया, क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर देखिए, आप आज का परिदृश्य देखिए, न केवल उत्तराखंड प्रदेश का बल्कि है कि पूरे देश के परिदृश्य अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा अगर हिंसा की तरह कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या लोगों के सामने खड़ी है तो वो जीडीपी के साथ साथ बेरोजगारी है और बेरोजगार युवा अवसादग्रस्त है, वो हताश है, निराश है, भटक रहा है। जिस युवा शक्ति को देश का निर्माता कहा जाता है या देश का भविष्य कहा जाता है, उसके कमजोर कंधे कैसे देश को उठाएंगे आप बताइए, जब वो खुद ही अपना भविष्य नहीं संवार पा रहा है, देश का भविष्य क्या संवार है जी? तो आज एक अंधकारमय स्थिति उसके सामने है, एक दुविधा है, एक द्वंद्व है जिससे वो लगातार लड़ रहा है।
अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर जाके शाम को उसके पास जवाब नहीं होता है। बूढ़ी माँ की आंखें सवाल पूछ रही होती हैं कि कोई काम मिला, कोई रोजगार मिला, कोई जुगाड़ हुआ, आमदनी हुई, क्या जवाब काश हुआ। तो निश्चित तौर पर 40,000 सरकारी नौकरियां यहाँ खाली पड़ी हैं उत्तराखंड में, 10,00,000 सरकारी नौकरियां जो है वो केंद्र सरकार में खाली पड़ी है, SSC के एग्जाम जो कि केंद्र की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो 2018 से नहीं हुई, कोरोना तो भाई साहब अभी आया है 2020 में। चलिए बिल्कुल ठीक है गरिमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से जहां ABBP ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका है। अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़ने से ABBP ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया महिला उत्पीड़न का आरोप। ABBP ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में यहां जमकर नारेबाजी भी की है। कल पौड़ी के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कलजी खाल के घंडियाल में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यालय के विकास भवन में जिला स्तर अधिकारियों के साथ में करेंगे समीक्षा बैठक। DM धीराज सिंह गर्भदयाल ने सीएम के भ्रमण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को तैनात करते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने तैनात किए गए समस्त अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा के साथ में अपने दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। तो कल पौड़ी के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंच रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कलजी खाल के घंडियाल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। तो कल पौड़ी के दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं। एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सभी कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर सभी कार्यक्रमों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होने वाले हैं। खबर सितारगंज से है जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदेश के नानकमता विधानसभा में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और नानकमता विधानसभा में आगामी चुनाव के बारे में चर्चा की। वहीं कार्यक्रम का आगाज यूथ कांग्रेस के नानकमता विधानसभा अध्यक्ष चंचल सिंह ने किया। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन छोड़कर संत केशव समिति कोष के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इन सबको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करके चर्चा की गई, आगे की रणनीति बनाई गई है। राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जो है हर समय जो है एक्टिव मोड में रहता है और आज मैं नानकमता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आया और साथियों ने अपनी बात की, हमने अपनी बात की और 2022 किस तरीके से होती है निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में है और जो आम जनता है खबर डोईवाला से जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने की प्रेस वार्ता। किसानों के गन्ना भुगतान पर सरकार के आदेश को बताया अपनी जीत। नियम के अनुसार गन्ने के बकाया भुगतान पर ब्याज दिया जाना चाहिए लेकिन ब्याज किसानों को नहीं दिया जा रहा, वो भी दिया जाए। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सरकार को चेताया अगर किसानों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन होगा। इसी के साथ में उन्होंने डोईवाला शुगर मिल के सुधारीकरण और मिल को सही समय पर चलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने शुगर मिल में हो रहे भ्रष्टाचार के भी जांच की मांग की है। जो इसका बकाया बैलेंस था किसानों का उसी संदर्भ में बैठक रखी गई। भुगतान का बकाया था किसान यूनियन के गठन के बाद में किसान प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से भी मिले, डीजी से आया, दबाव बनाया गया पूरी मजबूती के साथ में। उसका परिणाम यह है पैसा स्वीकृत किया गया है और हमारा जो बकाया है अभी वो ब्याज का रुपया बकाया है शुगर मिल है। किसानों की जीत है जैसे पहले गठन होने के बाद में जो हमने हमने जो पहले कदम उठाया था इस यूनियन के तहत में आज उस
उस कदम के अंदर हम पूरे किसानों के साथ में आज बहुत बड़ी जीत हुई है। हमें भाई किसानों की तो बहुत बड़ी पहले मांग ही बहुत थी, वो तो ब्याज तले तो पहले जब दब रखा था, किसी के कृषि कार्ड बनने थे, किसी के कुछ करने थे, आपका दुनिया भर का ब्याज का पैसा वो अपने कृषि कार्ड को रिन्यू नहीं करा पा रहा था, किसी की बेटी की शादी थी, छोटी छोटी जो समस्याएं थी, आज जो भुगतान हुआ है उससे कहीं ना कहीं किसान लाभान्वित होगा। इससे सरकार का हम धन्यवाद करेंगे, अभी इस तरह से कृषि के किसान के हित में कार्य करती रहे वो। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड जनरल ओबीसी एसोसिएशन का धरना, कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में एक दिवसीय भूख हड़ताल के साथ में धरना। धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की, प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी पर लगे आरोपों को हटाया जाए, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो तहसील स्तर पर धरना करेंगे। संगठन के पदाधिकारी संजय नेगी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी और आज है संगठन से जुड़े सभी लोगों ने कलेक्ट्रेट के समीप से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आज सभी लोगों ने भूख हड़ताल करके इसकी शुरुआत कर दी है। एक सूत्री मांग है जिसमें कि आप लोगों ने समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष श्री दीपक जोशी जी पे शासन प्रशासन द्वारा जो गलत आरोप लगाए गए हैं, हमारी सिर्फ एक ही यही मांग है कि उन आरोपों को तुरंत खारिज किया जाए, वरना आज हम धरने में बैठे हैं। जनपद पौड़ी वो क्रांतिकारी नगरी है, यदि हमें तत्काल ये मांग उनके द्वारा वापस मिल जाती है, हमें उग्र रूप देकर हमें इस आंदोलन का आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी प्रशासन शासन की रहेगी। खबर पौड़ी से, जहां सफदर खाल में बदहाल है पशु चिकित्सा केंद्र, रखरखाव के अभाव में खंडहर बनने की कगार पर पशु चिकित्सा केंद्र। पिछले 6 सालों से पशु चिकित्सक ना होने से अस्पताल में ताले लटके हैं, अपने पशु का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं ग्रामीण। इस मामले में मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी का कहना है कि यहां पर तैनात चिकित्सक का तबादला होने से ये समस्याएं आई हैं। तबादला होने के बाद से ही यहां पर कोई दूसरा पशु चिकित्सक नहीं दिया गया था, मगर अब विभाग को नए पशु चिकित्सक मिल गए हैं, उन्हें जल्द ही पशु चिकित्सा केंद्र भेजने की कवायद की जा रही है। किस गांव है जिस यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय है, लाखों की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस पे अभी तक 5-6 सालों से कोई भी डॉक्टर नहीं आया और बिल्डिंग की इतनी ख़राब हालत हो चुकी है कि झाड़ियाँ जो पूरे चारों तरफ बिल्डिंग के चारों तरफ झाड़ियाँ उग चुकी है और दरवाजे टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, पूरी खंडर हालत में हो रखा है पशु चिकित्सालय। तो रखरखाव के अभाव में खंडहर बनने की कगार पर पशु चिकित्सा केंद्र पहुंच चुका है, लगातार बड़ी खबर। आपको बता दें, पिछले 6 सालों से पशु चिकित्सक न होने से अस्पताल में ताले लटके हुए हैं, अपने पशु का इलाज करवाने के लिए ग्रामीण भटकने को मजबूर हो चुके हैं। सफदरखाल में बदहाल है पशु चिकित्सा केंद्र। पौड़ी से खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, अपने पशु का इलाज करवाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पौड़ी में शाम के समय खाई में गिरा व्यक्ति, सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से गांव जा रहा था व्यक्ति, रास्ते में पैर फिसलने से पगडंडी से नीचे गिरा व्यक्ति, सर्च अभियान में व्यक्ति का शव मिला। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से गांव की ओर जा रहा था ये व्यक्ति, पौड़ी में शाम के समय खाई में गिरा और रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी रही। रेस्क्यू करते समय उसका शव मौके से बरामद किया गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग से अपने गांव की ओर जा रहा था व्यक्ति, रास्ते में पैर फिसलने से पगडंडी से नीचे गिर गया। आगे बढ़ेंगे, काशीपुर में प्रशासनिक महकमे तक पहुंचा कोरोना। एएसपी राजेश भट्ट समेत 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एएसपी के संक्रमित होने से पूरे की पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप का माहौल है। तो पूरे प्रशासनिक कमरे में हड़कंप का माहौल, एएसपी राजेश भट्ट समेत 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
रुद्रपुर में भीषण गर्मी में फूटा नेता प्रतिपक्ष का गुस्सा। नगर कांग्रेस कमेटी के बद इंतजामी से गुस्साई इंदिरा हृदेश। नेता प्रतिपक्ष ने नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा को फटकार लगाई। कार्यक्रम में पंखा और एसी ना होने पर भड़की इंदिरा हृदेश। गुस्से में बोली, मुझे ऐसी गर्मी में बैठने की आदत नहीं है। कुमाऊं दौरे पर हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। प्रदेश अध्यक्ष के साथ में पहुंची थी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश भी मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग में रखा गया था और जब कांग्रेस के दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो खुले में रखे गए कार्यक्रम में गर्मी से नेता प्रतिपक्ष का पारा हाई हुआ। उन्होंने नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा को खूब लतार लगा दी। उन्होंने गुस्से में कहते हुए कहा कि यहाँ ना पंखा है ना ही एसी, उन्हें ऐसी गर्मी में बैठने की आदत नहीं है। भरी सभा में नगर अध्यक्ष को जब लताड़ पड़ी तो वो आगे का संचालन करना ही भूल गए। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां घास चरते समय गदेरे में गिरी गाय, चोट लगने के कारण गदेरे के बीच में फंसी गाय, आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया। तो आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद में गाय को गदेरे से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से ये खबर है, घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में गदेरे से बाहर निकाला गया गाय को। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी DDRF की टीम है उसको सारे रूप से फिट रखना और डिजास्टर को कैसे मिटिगेट करें उसके लिए एक मैंडेट मैडम की ओर से दिया गया है कि आपको डिजास्टर को कैसे कम करना है, चाहे उसमें कोरोना हो या लैंडस्लाइड हो, इनको हम न्यून कर सकते हैं। उनको कहा गया है कि आप इसके लिए तैयारी करें और इस दिशा में उन्होंने अच्छे प्रयास प्रारंभ कर दिए। टीम जो है उनको बिल्कुल डेडिकेटेड कर रखा है। डेडिकेटेड तो ऑलरेडी हमारी DDRF है, वो सिर्फ इसी के लिए बनाई गई है। अब उस DDRF टीम को उसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम करने का हमारा लक्ष्य है। इसको हम कितने कम समय में मौके पर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि जो रिस्पॉन्स फोर्स के सदस्य हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखा जाए, गाड़ियों को सही हालत में रखा जाए, इक्विपमेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। तो अभी हमारा पूरा ध्यान इसी पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।